प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं बदायूं शिखर। आइए बात करते हैं आज बदायूं की खास खबर। भ्रष्टाचार मुक्त अभियान की टीम ने आज दातागंज तहसील परिसर में राष्ट्रार्पण किया। दातागंज तहसील समन्वयक असद अहमद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तहसील दातागंज में भ्रष्टाचार चरम पर है। नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। सरकारी चिकित्सक स्वयं के अस्पताल चला रहे हैं या फिर निजी चिकित्सकों में सेवाएं दे रहे हैं। नागरिक झोलाछाप चिकित्सकों की सेवा लेने को विवश हैं। झोलाछाप चिकित्सकों व मानक के विरुद्ध चल रहे चिकित्सालयों को विभागीय अधिकारियों का खुला संरक्षण प्राप्त है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निष्क्रिय कर दिए गए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र अस्तित्व में नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के सहयोगी ने संकल्प लिया कि वर्ष भर स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे तथा भ्रष्ट तत्वों को तहसील क्षेत्र में टिकने नहीं देंगे। उन्होंने लेखपाल और तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार में वृद्धि को भी लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उसायत को ब्लॉक तथा समरे अभियाव को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग भी की गई। आपका समर्थन है ना, वो उसमें भी अच्छा उठा है तो इनका भी अच्छा भी है कि